दोस्तों आप सभी लोग तो अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर को बहुत तेजी से कंप्लीट कर लेती हो, लेकिन दोस्तों आपके चैनल पर जो 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है उसे कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको दोस्तों मैं बताऊंगा कि अगर आप शॉर्ट्स वीडियो को बनाते हो या फिर लॉन्ग वीडियो को बनाते हो तो आप सभी लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर किस तरह से अपने वॉच टाइम को कम्प्लीट करना है, आखिर 4000 घंटे के वॉच टाइम को किस तरह से कम्प्लीट किया जाता है आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं दोस्तों मेरे ही वीडियो पर एक यूट्यूबर्स ने कमेंट किया कि उसके चैनल पर दोस्तों 10000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उसके चैनल पर जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों आप अगर छोटे क्रिएटर्स हो तो आपको भी आगे चलकर दोस्तों आपके चैनल पर 4000 घंटे के वॉच टाइम को कंप्लीट करना होगा। इसीलिए दोस्तों आप भी इस वीडियो को जरूर ही देखिएगा और वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप भी अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर को जब कंप्लीट कर लोगे तो आपको भी दोस्तों अपने चैनल पर 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है उसे कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। नहीं तो आपके चैनल पर अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी हो जाता है तो आप दोस्तों 4000 घंटे के बिना अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको वहां पर अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। इसीलिए आपको अपने चैनल पर 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है उसे कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख लो, जो कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो को क्रिएट करके अपलोड करते हो, अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो को बनाते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज को आपको कंप्लीट करना होता है। अगर दोस्तों आप अपने चैनल पर 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो है YouTube का क्राइटेरिया है कि अगर आप 90 दिनों के अंदर अपने शॉर्ट्स वीडियो के 10 मिलियन व्यूज को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका वहां पर मोनेटाइज को अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है। और अगर आप अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियो को बनाते हो तो आपको दोस्तों अपने चैनल पर 4000 घंटे के वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना होता है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। तो अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो से मोनेटाइज करना चाहते हो तो शॉर्ट्स वीडियोस कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग वीडियोस करना चाहते हो तो आप लॉन्ग से कर सकते हो। आप जिस क्राइटेरिया को सबसे पहले पूरा कर लोगे आप उसी क्राइटेरिया से दोस्तों आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो और आपका अप्लाई करने का भी ऑप्शन आ जाता है। लेकिन दोस्तों अब बात रही कि आपको किस तरह से आखिर अपने वॉच टाइम को कंप्लीट करना है, जो कि आप सभी लोग छोटे क्रिएटर्स दोस्तों इस गलती को करते हो। और यही गलती है दोस्तों कि आपके चैनल पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पाया है। और यहां तक कि दोस्तों मैं अपने चैनल पर जैसे ही 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट किया वैसे ही मेरे चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। तो मैं दोस्तों कौन से ट्रिक को लगाया, मैंने कैसे काम किया आखिर कि मेरे चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम तुरंत ही कंप्लीट हो गया, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और इसी ट्रिक से दोस्तों आप भी अपने चैनल पर 100% 4000 घंटे को बहुत देर से कंप्लीट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को स्किप करने की गलती तो जरा सा भी मत कीजिएगा। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट भी नहीं हुए हैं तो आगे चलकर दोस्तों आपका जब कंप्लीट होगा तो आपको भी अपने चैनल पर 4000 घंटे के वॉच टाइम को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस वीडियो को जरूर ही देखिएगा, क्योंकि आप अपने चैनल पर बिना वॉच टाइम के अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से आप अपने चैनल पर 4000 घंटे के वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हो। और मैं दोस्तों अपने चैनल पर किस तरह से आखिर 4000 घंटे के वॉच टाइम को कंप्लीट किया आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और आपको भी उसी तरह से करना है दोस्तों। आपके भी चैनल पर दोस्तों 101% आपका जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी उसी ट्रिक से अपने चैनल पर बहुत ही से 4000 घंटे के वॉच टाइम को कंप्लीट किया हुआ था। तो सबसे पहला ट्रिक आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अब मैं बताता हूं कि आपको दोस्तों अपने चैनल पर सबसे पहला तो आपका व्यूज आना चाहिए। अगर दोस्तों आपका एक भी वीडियो अगर वायरल नहीं हो रहा है तो आपको दोस्तों अपने चैनल पर वीडियो को वायरल करना होगा। आपको देखना है कि आपका जो सबसे पॉपुलर वीडियो है आपको उसी के ऊपर एक बार और वीडियो बनाना है, और उसमें दोस्तों आपका जितना टाइम का वो वीडियो है आपको उससे ज्यादा टाइम का अगला बार वीडियो बनाना है। जैसे कि पहले मान लो कि आपका वीडियो 2 मिनट का या फिर 4 मिनट का था, तो इस बार आपको क्या करना है कि उसी टॉपिक पर आपको 8 मिनट का वीडियो को बनाना है या फिर 10 मिनट का बनाना है। आपको उसमें आपको और भी अच्छे समझाना है, आपको उसमें क्या करना है कि अपने वीडियो को थोड़ा लॉन्ग करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को लॉन्ग करोगे तो जब वो वीडियो पहले वायरल हुआ था तो इस बार भी दोस्तों आपके चैनल पर वो 100% वायरल होगा, और जब वायरल होगा तो आपके चैनल पर क्या होगा कि आपका जो वॉच टाइम है वो तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि आप इस वीडियो को 8 मिनट या फिर 10 मिनट के बनाए हो, इसीलिए आपके चैनल पर जरूर ही वॉच टाइम तेजी से बढ़ेंगे और ज्यादा बढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो काम आपको अपने वीडियो को थोड़ा लॉन्ग करना है। अगर आप 2 मिनट 4 मिनट इस तरह से वीडियो को बनाते थे तो आपको अपने वीडियो को लॉन्ग कर देना है, आपका वीडियो का टाइमिंग जो है वो बढ़ाना होगा, तभी जाकर आपका चैनल
मोनेटाइज होगा और आपके चैनल पर तेजी से वॉच टाइम आने लगेंगे। और आपको प्रयास करना है कि आपको हमेशा जो कि वायरल टॉपिक को उठाना है, आपको अपने चैनल पर देखना है कि 28 दिनों में आखिर कितने वीडियो आपके वायरल किए हैं, आपके कौन कौन से वीडियो वायरल किए हैं, आपको उसी के ऊपर दोबारा से वीडियो बनाना है और अपने टाइमिंग को थोड़ा बढ़ा देना है, 8 मिनट 10 मिनट इस तरह से आपको वीडियो को बनाना है और आपको अच्छे से समझाना है ताकि उस पे आपका जो व्यूवर्स है वो रुक सके। तो पहला दोस्तों, आप इस ट्रिक को लगाकर अपने चैनल पर वॉच टाइम को बढ़ा सकती हो। और दोस्तों आप सभी लोगों को एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों में से जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो एक बहुत ही बड़ी गलती को करते हैं कि अगर उनके चैनल पर जब वीडियो को अपलोड करते हैं तो उनके वीडियो पर अगर व्यूज नहीं आता है तो वो अपने वीडियो को क्या करते हैं कि डिलीट कर देते हैं। तो आपको दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर देते हो, अगर आप भूल से भी ऐसा करते हो दोस्तों, तो YouTube का जो एल्गोरिथम है दोस्तों वो समझ जाएगा कि आपने अपने वीडियो को डिलीट किया हुआ है, क्योंकि आपका जितना भी YouTube चैनल का जो डेटा है वो जो है YouTube के पास है, तो वो सब कुछ समझ जाता है कि आपने अपने वीडियो को डिलीट किया, कौन से वीडियो को डिलीट किया। इसीलिए जो YouTube का एल्गोरिथम है आपके वीडियो का जो इंप्रेशन है वो डाउन कर देगा और आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आने लगेंगे और आपका चैनल दोस्तों लगेगा ऐसा कि जैसे कि मेरा चैनल अब डेड हो गया है, मेरा चैनल पर अब व्यूज नहीं आएगा, मेरा चैनल अब नहीं चलेगा, इस तरह के दोस्तों आपको भी लगने लगेगा। इसीलिए आप दोस्तों अपने चैनल पर भूल कर भी अपने वीडियो को कभी भी डिलीट मत करना। अगर आपके वीडियो पर 5 व्यूज क्यों ना आए हो, आपको उस वीडियो को भी डिलीट नहीं करना है। और अब दोस्तों आपको मैं दूसरा ट्रिक बताता हूं कि आपको किस तरह से अपने वॉच टाइम को कंप्लीट करना है। अगर आपके चैनल पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, 1000 सब्सक्राइबर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको क्या करना है कि आपके घर में दोस्तों जितने भी फोन होंगे, क्योंकि दोस्तों आज के दिनों में सभी के घर में 2-4 फोन जरूर ही रहते हैं, तो आपके भी घर में दोस्तों जरूर ही 2-3 फोन होंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपका जिसमें चैनल है आपको उस फोन को यूज नहीं करना है, आपको सीधे सी उस फोन को ऑफ करना है और आपको साइड में रख देना है। इसके बाद आपके घर में जो फोन है उस फोन को क्या करना है कि आपको दिन या फिर रात में आपको क्या करना है, आपके चैनल का जो वीडियो है उनके फोन में आपको प्ले करके और आपको फुल वॉच करते रहना है। जब तक आपके चैनल पर 3900 के आसपास आपका जब वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको इस ट्रिक को लगाना है। आपको अपने घर वालों के फोन से वीडियो को फुल वॉच करना है। आपके चैनल पर जितने वीडियो हैं सभी को आप देखो और उससे दोस्तों अगर आपका वीडियो 10 मिनट का रहता है तो आपका क्या होगा कि एक फोन से अगर 10 मिनट आता है उसी फोन से आप दिन भर 7-8 घंटे तक अपने वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों एक फोन से जब उतने सारे वॉच टाइम आएंगे तो और भी फोन होंगे, 2-3 फोन होंगे, तो आप उन सभी को प्ले करके अगर रखते हो तो उसी तरह से आपके चैनल पर बहुत सारे वॉच टाइम आएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं भी इस ट्रिक को अपने चैनल पर लगाकर बहुत ही फास्ट से अपने वॉच टाइम को बढ़ाया हुआ था, क्योंकि दोस्तों मैं जितना भी ट्रिक बताता हूँ सारा चीज मैं उसी तरह से बताता हूँ और अगर आप भी उस तरह से करते हो तो दोस्तों आपके चैनल पर भी 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत तेज से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस 2 ट्रिक को लगाकर अपने चैनल को बहुत तेज से आप अपने वॉच टाइम को बढ़ा सकते हो। अगर दोस्तों आपको किसी तरह का और भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपका किसी तरह का डाउट है दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं छोटी क्रिएटर्स के लिए इस तरह की बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता हूं जो कि आप सभी लोगों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।